हज़रत, ये जो रूह का जो मामला है, ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अहम मामला है इंसान को अपने संवारने में, रूह का संवारना है, और अपने जिस्म और जान से भी ज़्यादा रूह की अहमियत दी जाती है। लेकिन रूह और की अगर आप बहुत ज़्यादा रूह संवार भी लें और जिस्म उसका साथ ना दे, जिस्म को संवारने की मेहनत ना करें, तो हम देखते हैं कि बज़ाहिर उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आपकी रूह, किसी आदमी है उसकी रूह बहुत पाकीज़ा है, जिक्र अज़कार भी करता है, कुरान की तलावत भी करता है, लेकिन जिस्म और आगे ज़ाहिर को संवारने की उसमें उसने कोई ऐसा एहतमाम नहीं किए, तो ज़ाहिर है कि उसको अल्लाह उसका कोई ऐसा कोई दीनी मकाम भी नहीं बनेगा, यानी कि कपड़े उसके इतने अच्छे नहीं हैं या उसके वो लुक्स ऐसी नहीं है। तो ज़ाहिर की भी एक अहमियत है, सिर्फ रूह कितनी भी आपकी रोशन हो, लेकिन अगर ज़ाहिर अगर रोशन नहीं है तो भी वो फ़ायदा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर ज़ाहिर किसी का रोशन है, कपड़े अच्छे पहने हैं, देखने में अच्छा मौलवी लगता है और अल्लाह वाला लगता है, रूह इतनी रोशन नहीं भी है, लेकिन उसका हम देखते हैं कि फैज़ भी फैल रहा है और लोग खल्क़ खुदा उससे फ़ायदा भी उठा रही है। और आजकल तो यूट्यूब का दौर है, उसके लाइक्स भी ज़्यादा हैं गोया के, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं, तो इसकी क्या हकीकत हुई फिर? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये अच्छा सवाल उठाया आपने। असल में बात ये, वो हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मेरे बातिन को मेरे ज़ाहिर से अच्छा बना, मेरे बातिन को मेरे ज़ाहिर से अच्छा बना और ज़ाहिर को बहुत ही अच्छा कर दे। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को मंजूर करवा लिया कि बातिन मेरे ज़ाहिर से अच्छा हो, और ज़ाहिर के बारे में कहा ज़ाहिर बहुत ही अच्छा हो। अब ज़ाहिर बहुत ही अच्छा होगा तो बातिन तो उससे ज़्यादा अच्छा होना मंजूर हो गया है ना, तो उस बहुत अच्छे से भी अच्छा होगा। तो गोया इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों इशारे कर दिए हैं कि बातिन भी अच्छा मतलूब है, ज़ाहिर भी अच्छा मतलूब है, लेकिन असल बातिन पे फैसले चुके होने नजात के भी और दुनिया में राहत के भी, लिहाजा बातिन की अच्छाई उस ज़ाहिर के ऊपर हावी रहनी चाहिए। अब हावी होने का मतलब ये नहीं है कि बातिन ज़ाहिर आपका बिल्कुल ख़राब पोसीदा हो, इवन है कि इत्तिबा सुन्नत भी ना हो, इवन है कि एक इंसानी हैसियत से इंसान का पहनना ओढ़ना जिस लुक का हो वैसा भी ना हो, ये नबी की सुन्नत और नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम यह है कि अल्लाह बातिन को ज़ाहिर से अच्छा बना और ज़ाहिर को बहुत ही अच्छा कर दे। तो मालूम है कि ज़ाहिर बातिन दोनों मतलूब है, लिहाजा ये जब होता है कि इंसान बातिन पे और लिया, अल्लाह बातिन पे जोर लगाते हैं, लिहाजा वो बातिन को ज़ाहिर के ऊपर हावी रखते हैं। अच्छा, हावी रखते हैं। जैसे सुन्नत है कि जब आप आईना देखें, आईना देख के ये दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्म हसन ता खल्की फासिन खुलुकी, या अल्लाह जैसे आपने मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया, या अल्लाह मेरे अखलाक को भी खूबसूरत कर दे। तो गोया कि फौरन बातिन की खूबसूरती मांगी, क्यों? पता यह है कि नजात जो है वो बातिन की खूबसूरती पर है, जाहिर की खूबसूरती आपके लिए फ़ख्र और राहत का बायस तो है लेकिन नजात का बायस नहीं है। नजात का बायस जो है वह आपका बातिन है, दुनिया में राहत का बायस आपका बातिन है। लिहाजा ज़ाहरी तौर पर जितने भी आराम के सामान किसने मुहैया कर लियो, लेकिन बातिन के अंदर बेचैनी लगी हो, तो ज़ाहिर के सामान कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। इसी तरीके से ज़ाहिर बहुत अच्छा उम्दा है लेकिन बातिन के अंदर कुछ भी नहीं है, हैं तो बातिन बिल्कुल उसका जो फरसूदा और फना है, तो उसको ज़ाहिर से कोई नफ़ा नहीं है। इसलिए जो है वो ये ज़रूरी है कि बातिन अच्छा हो, लेकिन ज़ाहिर ऐसा हो कि ज़ाहिर ऐसा ना हो कि ज़ाहिर बिल्कुल शरीयत के कायदे से भी निकला हुआ हो। क्योंकि सादगी का मतलब जो है वो गंदगी नहीं है कि इंसान सादगी को इख्तियार करे, तो सादगी का मतलब यह है कि वो इंसान कायदे कानून के मुताबिक माकूल शक्ल व सूरत के साथ, माकूल खूबसूरती, मकबूल खूबसूरती के साथ जो है इंसान ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि ये हदीस में भी आता है कि इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। इसलिए तो लिहाजा जिन औलिया अल्लाह की आप बात करें, बाज़ औलिया अल्लाह की कैफियत ऐसी होती है तो वो उनको गलबा हाल कह सकते हैं, उन पर एक गलबा हाल है, उस गलबा हाल की वजह से एक लुंगी में ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने, एक लुंगी में ज़िंदगी गुजार दी, बस सदर छुप गया और सदर ही छुपाना फ़र्ज था, उसके अलावा बाकी बदन नंगा उसको छुपाना फ़र्ज ही नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में सारी ज़िंदगी लग गए। और ये हकीकत की जो है तरबियत अल्लाह तबारक व ताला हज के मौके पर दिलाते हैं कि हाजी जब हज में जाता है तो एक लुंगी में ज़िंदगी गुजारता है, ऊपर की चादर तो आप खुद तजर्बा करते हैं, ऊपर की चादर का कौन एहतमाम करता है, कंधे पर डाली होती है या गले में लपेटी होती है, उसको एहतमाम के साथ तो कोई कोई बांधता है, एक एक वक्त तक बांधता है, वरना फिर वो एक लुंगी में चल रहा होता है और वह कंधे पर अपना रखा हुआ तौलिया लुंगी में,
तो मालूम है कि वो हकीकत ज़िंदगी बताई जा रही कि असल भाई इतना है, असल बातिन की मेहनत है। अब वो हाजी जब बातिन की मेहनत करता है तो उसको जो कल्ब में जो राहत और जन्नत को जो लुत्फ आता है तो ज़ाहिर का मोहताज नहीं रहता। इसलिए ऐसी औलिया को अल्लाह तबारक व ताला ये ख़ास कैफियत अता कर देते हैं, लिहाजा वो शरीयत की इत्तिबा पर इक्तफा करते हैं और अपनी बातिन की मेहनत करके जन्नत के मुंतज़िर रहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया।